ग्लोबल वार्मिंग के कारण लक्षद्वीप में रंगीन मूंगे की चट्टानी हो रही है बेरंग। नमस्कार। जलवायु परिवर्तन को लेकर पर्यटन तक के दबाव का असर लक्षद्वीप में मौजूद मूंगा की चट्टाने या पर्वल भीतियों कोरल रीफ पर दिखने लगा है। रंगीन दिखने वाले ये चट्टान बेरंग हो रहे हैं। ये मूंगा की चट्टान न केवल पर्यटन के लिए खास है बल्कि क्षेत्र में समुद्री जीव विविधताओं को बनाए रखने के लिए भी अहम है। रंग उड़ने का कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ता समुद्री तापमान इन मूंगा की चट्टानों को रंगहीन बना रहा है। एक सवाल जुजेथली की वजह से इन चट्टानों को पोषण और रंग मिलता है, लेकिन तापमान बढ़ने से सवाल से मूंगा की चट्टान दूर होने लगते हैं, इससे ये रंगहीन हो जाते हैं। साथ ही पोषण ना मिलने से ये कमजोर होने लगता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से भी मूंगा की चट्टानों को खतरा है। वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे अधिक मात्रा समुद्र की अवशोषित करता है। इससे पीएच का स्तर कम हो जाता है और चट्टानों में कैल्शियम बनाने की क्षमता को खत्म करता है। बढ़ते तापमान से मूंगे की चट्टाने की संख्या में कमी आ सकती है। ऐसा बढ़ रहा है संकट। लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा पर्यटन है, इसके बावजूद यहाँ मौजूद मूंगे की चट्टानों पर पर्यटकों के कारण दबाव बढ़ा। पर्यटकों का ये सुकूबा डाइविंग, नौकयान जैसे कई गतिविधियों का आनंद लेते हैं, इससे यहाँ मौजूदा मूंगा की चट्टान का अस्तित्व पर संकट आ गया। द्वीपों को समुद्र में डूबने से करती है बचाव। लक्षद्वीप की इन चट्टानों को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन और पर्यटक से होने वाले संकट का समाधान खोजना होगा। इसके लिए मूंगे की चट्टान के लिए संरक्षण, जलवी इलाके की सुरक्षा और इसके लिए एक जाने वाले शोध पर नजर रखना होगा। मूंगे की चट्टानों एक प्राकृतिक अवरोधक है जो इन द्वीपों को समुद्र से डूबने से बचाती है और खारे पानी को सीमित मीठे पानी के स्रोत में बाहर रखती है। 20 से 29 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यह चट्टानें बेहतर अवस्था में रहती है। तापमान का ज़्यादा बढ़ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जय हिंद।